हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये एक न्यूज़ आई है, अफ्रीकन यूनियन टू जॉइन G20। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। शेरपाज रीच टू डील। शेरपाज क्या होता है? अगर मैं आपको शेरपा का मीनिंग बताऊं तो ये आपके डिप्लोमेट्स होते हैं जो काम करते हैं एक किसी समिट या मीटिंग से पहले, उनको शेरपा बोला जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, उनको बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। दी अफ्रीकन यूनियन इज सेट टू ज्वाइन G20 एज नेगोशिएटर एग्रीड ऑन क्लियरिंग इट्स मेंबरशिप अकॉर्डिंग टू सोर्सेज प्रिवी टू द डिस्कशन एट द शेरपा मीटिंग एट द रिसोर्ट ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। ठीक है। दिस विल मीन डेट 55 मेंबर अफ्रीकन यूनियन विल ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन एज द ओनली टू रीजनल बॉडीज इन G20। डेट इज़ कि रीजनल बॉडीज दो होंगी, कौन कौन सी? अगर अफ्रीकन यूनियन होता है तो एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, क्योंकि इनके अलावा सारे कंट्रीज़ हैं, कोई रीजनल बॉडीज़ नहीं है। एंड इसके 55 मेंबर्स हैं, मतलब 55 कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीकन यूनियन। चलिए, और शायद से G20 है, इसमें अफ्रीकन यूनियन ऐड होगा तो G21 होना चाहिए, पर होगा नहीं होगा वो डिस्कशन की बात है, देखते आगे। वाइल इट इज स्टिल अनक्लियर वेदर द G20 विल बी रीनेम्ड एज G21। हाँ देखिए, आफ्टर द इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इंडियन ऑफिशियल सेड द अनाउंसमेंट वुड हेल्प लीव द लास्टिंग इम्प्रिंट ऑफ द वर्क द इंडियन प्रेसिडेंसी हैज़ डन इन ब्रिंगिंग द ग्लोबल साउथ एम्बिशन टू द इकोनॉमिक ग्रुपिंग। अब देखिए, ये इंडिया का ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाया जाएगा, तो ग्लोबल साउथ में अफ्रीकन यूनियन आता है, तो ये इंडिया की वजह से हो रहा है। एज टॉक्स पॉज्ड ऑन थर्सडे आफ्टरनून शेरपा हु आर द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द G20 लीडर्स, जैसे कि जितने भी लीडर्स हैं उनके एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उनकी ये बात हुई है, विल मूव द डिस्कशन टू द दिल्ली G20 वेन्यू नेक्स्ट, बट नेगोशिएशन विल कंटिन्यू अंटिल देर इज एग्रीमेंट ऑफ एग्रीमेंट फॉर अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन द सोर्सेस सेड। नो G20 समिट हैज़ एंडेड विदाउट अ जॉइंट स्टेटमेंट। कोई भी G20 का जो आपका समिट है वो जॉइंट स्टेटमेंट के बिना एंड नहीं हुआ है। जॉइंट स्टेटमेंट सबकी उसमें हामी होनी चाहिए। एंड इंडियन ऑफिशियल वुड होप टू अवॉइड सच एन आउटकम से दे होप टू फिल द गैप बाय द टाइम द समिट एंड्स ऑन संडे आफ्टरनून। मच ऑफ द एफर्ट्स इज़ ऑन रिजॉल्विंग द जियो पोलिटिकल इशू। अब जियो पोलिटिकल इशू आपको पता है, रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन, ये अभी सबसे बड़ा जियो पोलिटिकल इशू है जो G20 समिट में रेज होना चाह रहा है, पर उसके ऊपर कंसेशन नहीं है, कंसेशन नहीं होंगी तो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा। पैराग्राफ वन ऑफ टू पैराग्राफ दैट वर एग्रीड टू इन द बाली G20 डॉक्यूमेंट लास्ट ईयर, द रशिया एंड चाइना हैव अपोज्ड इन इंडियन ड्राफ्ट। देखिए, रशिया और चाइना ने ये पहले ही अपोज कर दिया है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आर ओवर पैराग्राफ 6 ऑफ द लेटेस्ट ड्राफ्ट दैट सीक्स टू कोट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन कंडेमिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, बट देर रिमेन अदर्स द सोर्सेस सेड। तो UNGC ने बोला है या रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर वो सही नहीं है, और इस चीज़ को पहले ही कंडेम कर चुके हैं रशिया एंड चाइना कि ये ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। फॉर द पास्ट मंथ शेरपा हैव बीन बर्निंग द मिड नाइट ऑयल विद द नेगोशिएशंस ऑन ए ड्राफ्ट डिक्लेरेशन कंटिन्यूइंग अंटिल द अर्ली आवर ऑफ द मॉर्निंग। इवन ऑन थर्सडे द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ड्राफ्ट वॉज सर्कुलेटेड क्लोज टू 3 AM। मतलब बहुत काम कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अलग अलग कंट्री के उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो सुबह 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं। द सोर्सेज सेड दैट वाइल मच ग्राउंड हैज़ बीन कवर्ड इन द पास्ट फ्यू डेज डिफरेंसेस रिमेन इन द लैंग्वेज ओवर क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग एज वेल। इन एडिशन द डेवलपिंग कंट्रीज कंटिन्यू टू पुश बैक ऑन डेडलाइन टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल एंड कट कार्बन एमिशन। इन पर्टिकुलर चाइनाज डेलीगेशन हैज़ बीन अपोज टू मैनी ऑफ द वर्डिंग्स एंड इनिशिएटिव प्रपोज बाय इंडिया विथ मोर देन वन डिप्लोमेट प्रेजेंट एट द मीटिंग स्पीकिंग अबाउट द कॉन्स्टेंट कन्फ्रंटेशन
गोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज डेलीगेट्स, मतलब इंडिया एंड चाइना यहाँ भी लड़ रहे हैं, इंडिया कुछ प्रपोजल दे रहा है, अच्छा है, गलत है, सही है, बिना कुछ देखे चाइनीज़ उसको पहले ही मना कर दे रहे हैं। तो भाई क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ हो क्या तुम लोग, मतलब किस स्टेज पे बैठे हो और लड़ रहे हो, छोड़ो। मेंबरशिप ऑफ अफ्रीकन यूनियन हाउएवर अपीयर्स टू बी द वन पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट एंड बोथ रशियन एंड चाइनीज ऑफिशियल ऑन थर्सडे बैक द मूव इवन एज दे अपीयर टू क्लेम क्रेडिट फॉर इट। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन माओ निंग टोल रिपोर्ट चाइना इज द फर्स्ट कंट्री दैट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड इट्स सपोर्ट्स फॉर द अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप इन G20। एट द चाइना अफ्रीका लीडर डायलॉग लास्ट मंथ प्रेसिडेंट सी जिनपिंग अगेन स्ट्रेस दैट चाइना विल वर्क एक्टिवली टू सपोर्ट द अफ्रीकन यूनियंस फुल मेंबरशिप इन द G20। चाइना एंड द अफ्रीकन यूनियन आर इम्पोर्टेंट पार्टनर इन बिल्डिंग अ हाई लेवल चाइना अफ्रीका कम्युनिटी विथ अ शेयर्ड फ्यूचर एंड सेफ गार्डिंग इंटरनेशनल फेयरनेस एंड जस्टिस। चाइना सपोर्ट्स द अफ्रीकन यूनियन इन प्लेइंग बिगर रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस। रशिया G20 शर्पा वॉज ऑल्सो कोटेड एज सेइंग बाय रशियन मीडिया द मॉस्को वॉज अमंग द फर्स्ट टू सपोर्ट द अफ्रीकन यूनियंस मेंबरशिप। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि चाइना ने सपोर्ट किया अफ्रीकन यूनियन को, ऐसा नहीं है कि वो अफ्रीकन यूनियन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेस है वो आज अफ्रीका में है, तो रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना चाहता है चाइना, तो वो एक्सप्लॉइट तभी कर पाएगा जो उसकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसके लिए अफ्रीका को सपोर्ट करेगा, अफ्रीकन यूनियन को लगेगा कि चाइना हमारे सपोर्ट में है, तभी वो एक्सप्लॉइट कर पाएगा और उनको फिर वो लोन्स देगा, उनको फिर जब इतने ज़्यादा लोन्स दे लेगा उनको एक्सप्लॉइट करेगा, वो उसको लोन्स वापस से चुका नहीं पाएंगे। तो ये जो चाइना की मूव होती है हर कंट्री के साथ यही रहती है, और इसको कई बार बोला जाता है नियो कॉलोनियलिज्म। इसमें क्या होता है, कॉलोनी बनाता है चाइना पर अलग तरीके से बनाता है लोन दे करके, और फिर वापस से वो लोन जब रिटर्न नहीं मिलता है तो वहाँ पे लैंड ले लेता है, सेम के जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया है। खैर, इसलिए वो चाइना सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चाइना को चाहता है चाइना, क्योंकि आप देख रहे होंगे, क्योंकि इंडियंस अगर कोई अच्छी चीज़ भी, अच्छा प्रपोजल भी रख रहे हैं तो चाइना उसको पूरा का पूरा निगेट कर रहा है। तो चाइना यहाँ पे बहुत सेल्फिशली मूव और एक्ट कर रहा है, और इस आर्टिकल में हमारे लिए जानने का कुछ नहीं है, वही G20 को और चाइना इंडिया रिलेशनशिप आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, बॉर्डर इशू क्या है और रशिया का क्या लोकेशन वगैरह है चाइना के साथ, और इंडिया के साथ उसका क्या फॉरेन रिलेशनशिप है। और एक दो पॉइंट यहाँ पे, ये जैसे हमने देखा क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये दो पॉइंट ऐसा हो जाता है जिसके ऊपर शॉर्ट नोट पता होना चाहिए आपको, क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो अगर आपको इसके ऊपर नोट्स चाहिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए या मुझे मेल करिए, मेल आपको पता है @पढ़लो@gmail.com है। सो वर्क हार्ड, और चाइना जैसे मत बनिए, इंडिया जैसे बनिए, जो सही में किसी का भला करना चाहे। चाइना सेल्फिश है, चाइना को अवॉइड करिए। सो थैंक यू गाइस, एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।